गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ बच्चों सब्जेक्ट है आपका साइंस सो प्लीज़ ओपन योर साइंस बुक इसमें आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका न्यू लेसन लेसन नंबर एट रॉक सॉइल एंड मिनरल्स सॉइल एंड इर्थ्स कंजर्वेशन तो प्लीज ओपन योर पेज नंबर सिक्सटी थ्री एंड लेसन केयरफुली तो देखिए द अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड सॉइल ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड अपॉन सॉयल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो सबसे ऊपर की सतह होती है हमारे अर्थ में जो एक जो लेयर है हमारी अर्थ की वो है सॉयल वो कहलाती है सॉइल मिट्टी जो भी लिविंग थिंग्स हैं चाहे वो ह्यूमन बींग हो एनिमल हो वो सॉइल के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करते हैं डिपेंड करते हैं animals एनिमल्स लिव इन soil. बहुत सारे जो जानवर हैं वो सॉइल में रहते हैं द प्लांट्स ग्रो इन द सॉयल एंड प्रोवाइड अर्स वेजिटेबल्स सॉइल में हमें क्या मिलते हैं बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करते हैं सॉइल हमें प्रोवाइड कराती है सब्जियाँ फल और बहुत सारी चीज़ें इट इज़ ऑल्सो अ नेचुरल सोर्स ऑफ मैनी वैल्युबल थिंग्स और ये हमारी एक प्राकृतिक क्या है सोर्स है जिसमें हमें क्या मिलती है बहुत सारी बहुमूल्य चीज़ें मिलती हैं सॉइल इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ एंड ऑन लैंड सोइल क्या है एसेंशियल है बहुत ज़रूरी है किस चीज़ के लिए पृथ्वी लैंड पे इस जो ज़मीन है जो लैंड है इस पे जीवन के लिए सॉइल इरोजन देखिए सॉइल कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर्स हमारी जो सॉइल है वो तीन लेयर से बनी है द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉयल इज कॉल्ड टॉप सॉयल जो सबसे ऊपर की सतह है वो टॉप सॉइल कहलाती है प्लांट्स ग्रो इन दिस लेयर जो भी प्लांट्स होते हैं पौधे होते हैं वो इसी लेयर में उगते हैं किसमें टॉप सॉयल में दॉयल बिलो द टॉप सॉयल इज़ कॉल्ड सब सॉइल और टॉप सॉइल के नीचे वाली जो सॉइल है वो कहलाती है सब सॉइल इट कंजिस्ट ऑफ ब्रोकन रॉक ये बनी है किससे टूटी हुई चट्टानों के टुकड़ों से और ये बहुत ज्यादा हार्ड होती है एट द टॉपम एट द बॉटम ऑफ द सब सोइल एट द बॉटम ऑफ द सब सॉइल और इस बॉट सब सॉइल के बॉटम में हमारी जो एक सॉइल की लेयर होती है वो कहलाती है बेड रॉक द टॉप लेर ऑफ़ द सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल और जो टॉप लेयर होती है सॉइल की वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है इट इज़ सॉफ्ट एंड लाइट ये बहुत ही मुलायम होती है और हल्की होती है दिस गेट्स रिमूव एट सर्टेन प्लेसेज और कुछ प्लेसिस में ये रिमूव हो जाती है किससे हवाओं से बारिश से और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे यह रिमूव हो जाती है द रिमूवल ऑफ द टॉप सॉइल फ्राम द सर्फेस ऑफ द अर्थ और रिमूवल uh, इस का रिमूव होना सरफेस से इस सतह से, सतह से से पृथ्वी की रिमूव होना चाहे वो विंड से हो रेन से हो या फिर किसी भी फैक्टर से हो क्या कहलाता है सॉइल इरोजन कहलाता है द सोइल इरोजन मेक्स द लैंड लेस फर्टाइल और सॉइल इरोजन के कारण जो हमारी जमीन है जो मिट्टी है वो फर्टाइल कम हो जाती है अन हो जाती है इन सच सॉइल प्लांट्स कैन नॉट ग्रो हेल्दी इसमें हेल्दी जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं प्लांट्स ग्रो ही नहीं कर पाते हैं और हेल्दी नहीं रहते हैं द फार्मर्स री पुअर हार्वेस्ट और जो हमारे किसान होते हैं जो खेती करते हैं वो लोग क्या करते हैं इसमें पुअर हार्वेस्ट मतलब जिसको ऐसी खेती करते हैं जिसके लिए ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है द सॉइल इरोजन ऑल्सो मेक्स द अर्थ इरोजन होता है वो अर्थ सरफेस को एक समान नहीं रखता प्लांट्स गेट और प्लांट्स जो होते हैं वो हो जाते हैं, जड़े छोड़ देते हैं हम ऐसे के बारे में पढ़ेंगे जो कि सॉइल इरोजन को अफेक्ट करते हैं ठीक है अभी मैं सिर्फ इतना ही आपको पढ़ा रही हूँ आप एक बार इसे रिवाइज करिए स्टार्टिंग से और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे